हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चार अक्षर वाले शब्द। आज की वीडियो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो हिंदी लिखना पढ़ना और बोलना चाहते हैं वो भी इस वीडियो के द्वारा हिंदी का अभ्यास कर सकते हैं। इससे पहले तीन अक्षर वाले और दो अक्षर वाले शब्द मेरे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली वर्कशीट से। ये वर्कशीट पेरेंट्स बहुत इजीली अपने बच्चों को घर पे करा सकते हैं। तो वर्कशीट में आपको क्या कराना होगा, वर्ण जोड़कर शब्द पढ़ो और लिखो। यानी आप बच्चों को किस तरीके से वर्णों को जोड़कर शब्द निर्माण होता है उसकी प्रैक्टिस इस वर्कशीट के थ्रू करा सकते हैं। सबसे पहले शब्द पर आते हैं अ च क न। तो आप बच्चे से सारे वर्ण बुलवाएंगे और उसके बाद उसे बोलेंगे इन चारों वर्णों को वो मिला करके पढ़े। तो जब वो पढ़ेगा तो आप उसे समझाइए, ये समझाइएगा कि इस तरीके से चार अक्षर वाले शब्द का निर्माण होता है। तो शब्द क्या बनेगा, अ च कन को मिलाने पर तो अचकन शब्द बनेगा। ब र त न, बर्तन। अ द र क, अदरक। उ प व न, उपवन। अ न ब न, अनबन। उ ब ट न, उपटन। श र ब त, शरबत। क र व ट, करवट। म ख म ल, मखमल। म ल मलमल। स र प ट, सरपट। ह ल ध र, हलधर। तो इस वर्कशीट को आप दो तरीके से करा सकते हैं, या तो आप खुद ये पूरा सब लिख के बच्चे को दे दें और बच्चे से उच्चारण करवाएं तो इससे बच्चा पढ़ना सीखेगा, या फिर आप ये वर्ण दे दें इस तरीके से लिख करके और बच्चा जो है शब्द को लिख करके दिखाए कि इन वर्णों को जोड़ने पर शब्द किस तरीके से बनेगा। अब हम आते हैं अगली वर्कशीट पर। इस वर्कशीट में आपको चित्र पहचान कर शब्द मिलान करना सिखाना है। तो इसमें आप एक तरफ चित्र बना दीजिए और दूसरी तरफ शब्द आगे पीछे करके लिख दीजिए। तो बच्चा जो है शब्दों को पहचानेगा, ढूंढेगा और ढूंढ करके सही चित्र से उसका मिलान करेगा। पहला चित्र है अचकन का। तो आप इधर जितने भी शब्द दिए हैं वो एक एक करके बच्चे से पढ़वाएंगे और बच्चे को बोलेंगे कि वो शब्द को पहचाने। तो स्टार्ट करते हैं। क ट ह ल, कटहल। थ र म स, थर्मस। त र क श, तरकश। अ च क न, अचकन। तो सही शब्द क्या है, अचकन। तो हम चित्र को अचकन शब्द से मिलान करवाएंगे बच्चे से। उसके बाद हम आते हैं अगले चित्र पर। यह चित्र है शलगम का। आप बच्चे को बताएंगे कि यह चित्र शलगम का है और बच्चे से शब्द पढ़ने के लिए बोलेंगे और बच्चा शब्द पहचान करके शब्द को चित्र से मिलाएगा। क ट ह ल, कटहल। थ र म स, थर्मस। त र क श, तरकश।
क्योंकि ये शब्द मिलान में हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ये शब्द बच्चा उच्चारण में नहीं लेगा। श ल ग म, तो इस तरीके से शलगम शब्द को चित्र के साथ मिलाएंगे। अगले चित्र पर आते हैं। अगला चित्र है थर्मस का, तो बच्चा फिर दोबारा से पढ़ेगा। क ट ह ल, कटहल। थ र म स, थर्मस। तो बच्चा चित्र को शब्द के साथ मिला देगा। इसके बाद अगले चित्र पर आते हैं। ये चित्र है तरकश का, तो बच्चा शब्द पढ़ेगा। क ट ह ल, कटहल। त र क श, तरकश। तो तरकश चित्र को वो शब्द से मिला देगा। अंतिम चित्र आता है, ये है चित्र कटहल का। बच्चा शब्द पढ़ेगा क ट ह ल, कटहल। और शब्द को चित्र के साथ मिला देगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से बच्चों को चित्र मिलान करना है। इस वर्कशीट से बच्चा जब बार बार एक ही शब्द को पढ़ेगा तो उसे उस शब्द को बोलने की प्रैक्टिस होगी और उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं अगली वर्कशीट पर। अगली वर्कशीट है चित्र पहचान कर शब्द को। इसमें बच्चा चित्र को पहचानेगा और पहचान करके शब्द निर्माण करेगा या शब्द लिख करके दिखाएगा। तो पहला चित्र है अदरक का, तो बच्चा लिखेगा अ द र क। तो इस तरीके से बच्चा अदरक लिख के दिखाएगा। अगला चित्र है बर्तन का, तो बच्चा लिखेगा बर्तन, कुछ इस तरीके से। अगला चित्र है थर्मस का, तो बच्चा थर्मस लिख के दिखाएगा। अगला चित्र है कटहल का, तो बच्चा क ट ह ल लिख करके दिखाएगा। इस तरीके से बच्चा चित्र के सामने शब्द लिखकर के दिखाएगा। चित्र के द्वारा शब्द लिखवाने से बच्चों को आसानी से शब्द याद होते हैं, क्योंकि चित्र बहुत अच्छा माध्यम होते हैं किसी भी शब्द को याद कराने के लिए। अगली वर्कशीट पर आते हैं। चित्र पहचान कर उपयुक्त तो शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाएं। इस वर्कशीट से बच्चा सिर्फ इन चार चित्रों के द्वारा 12 शब्दों को पढ़ने में सक्षम होगा। इसमें चित्र के आगे 3 शब्द लिखे हैं, जिसमें से सिर्फ एक शब्द सही होगा, 2 गलत होंगे। सही शब्द के आगे टिक लगाना होगा। तो पहला चित्र है अचकन का। बच्चे से पहले 3 शब्द पढ़वाएं, उसके बाद सही का चिन्ह लगवाएं। पहला शब्द है म ख म ल, मखमल। अ च क न, अचकन। क र व ट, करवट। तो बच्चा जो है अचकन शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाएगा। दूसरा शब्द है अदरक। बच्चा 3 शब्दों को पहचान करके देखेगा कि कौन सा शब्द सही है। पहला शब्द है अदरक, अदरक। स र प ट, सरपट। प र म ल, परमल। तो सही शब्द है अदरक। बच्चा अदरक के सामने
सही का चिन्ह लगाएगा। अगला चित्र है बर्तन। बच्चा तीनों शब्दों को पहले पढ़ेगा और उसके बाद ही सही शब्द के आगे सही का चिन्ह या टिक लगाएगा। म ल म ल मलमल, झ ट प ट झटपट, बर्तन बर्तन, तो सही शब्द है बर्तन, इसके आगे टिक लगाएगा। अगला चित्र है शलगम। श ल ग म उ ब ट न, उपटन, म ख म ल मखमल, तो सही शब्द के आगे बच्चा टिक लगाएगा। इस तरीके से बच्चे को 12 शब्द चार चित्रों के माध्यम से पढ़ने आएंगे इस वर्कशीट के द्वारा। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट पर आते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में बच्चे को वाक्य का निर्माण करना आएगा बिना मात्रा वाले शब्दों के साथ। इस वर्कशीट में बच्चे को क्या करना है, जो चार अक्षर वाले शब्द हैं उसको रेखांकित करना है। तो आप बच्चे से पूरा वाक्य पढ़वाएंगे, इससे बच्चे को ये पता चलेगा कि वाक्य निर्माण कैसे किया जाता है और किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया जाता है। तो पहला वर्ड है अचकन, पहन कर चल। तो चार अक्षर वाला शब्द हुआ हमारा अचकन, बच्चा उसको रेखांकित करेगा। अगले वाक्य पर आते हैं, नटखट मत बन। तो नटखट चार अक्षर का शब्द है, बच्चा उसको रेखांकित करेगा। साथ ही साथ हम बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं कि इस वाक्य में अगले शब्द कितने अक्षर या वर्ण से बने हुए हैं। जैसे मत दो अक्षर या वर्ण से बना हुआ है, बन दो अक्षर या वर्ण से बना हुआ है, तो इससे बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मदन शलगम चक, इसमें शलगम चार अक्षर वाला शब्द है, बच्चा उसे रेखांकित करेगा। अगला वाक्य है अनवर अजगर मत पकड़। तो इसमें अनवर और अजगर चार अक्षर वाले शब्द है, बच्चा उन्हें रेखांकित करेगा। हलचल मत कर, इसमें हलचल चार अक्षर वाला शब्द है। धनपत टमटम पर चल, तो धनपत और टमटम चार अक्षर वाले शब्द है, इसलिए बच्चा इनको रेखांकित करेगा। दशरथ कसरत कर, दशरथ और कसरत को रेखांकित किया जाएगा। पवन टमटम पर चल, इसमें टमटम चार अक्षर वाला शब्द है, पनघट पर चलकर जल भर, इसमें पनघट और चलकर ये दो शब्द चार अक्षर वाले शब्द हैं। अगले वाक्य पर आते हैं, इसमें परवल चार अक्षर वाला शब्द है। इस तरीके से बच्चा जो है चार अक्षर वाले शब्दों को आसानी से पहचान पाएगा और उसे वाक्य निर्माण की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस वर्कशीट के द्वारा। तो इस तरीके से आप ये वर्कशीट्स करवाइए बच्चों को, या जो लर्नर हैं, हिंदी लर्नर हैं, जो हिंदी सीखना चाहते हैं, वो इन वर्कशीट को करिए और चार अक्षर वाले शब्दों के कॉन्सेप्ट इस वर्कशीट के द्वारा बहुत अच्छे से क्लियर करें। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।